So, hello everyone, this is Devansh Gandhi and I am a second year student of BTech at CIC DU. और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द CIC BTech एंट्रेंस एग्जामिनेशन DUET. यार जो पिछली वीडियो आई थी ना कॉलेज रिव्यू की CIC की, अपने कॉलेज की जो मैंने कॉलेज रिव्यू बनाया था, उसके बाद भाई तुम्हारे DMs मैसेजेस, मतलब इतने सारे मेल्स कि भैया ये वाली वीडियो कब आएगी कब आएगी कब आएगी. तो यार ये फाइनली ये वीडियो आ चुकी है, इसे यार अच्छे से देखना. इसमें हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को, कि कैसे यार उसमें कौन सी बुक्स से हमें पढ़ना चाहिए, विच बुक्स वी हैव टू रेफर, और यार कौन सा वेटेज ज़्यादा है, किस पोर्शन ज़्यादा है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा, सब कुछ यार डिटेल में पूरा खोद खोद के देखेंगे. और यार अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है कॉलेज रिव्यू की CIC की, तो यार उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ इंश्योर कि पहले आप उसे देखें फिर इस वीडियो को देखें. और यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लाइक कर दो यार वीडियो को और लेट्स गो. तो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने से पहले यार बात कर लेते हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की. यार पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, सिलेबस में यार तीन चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स टिल 10+2 लेवल, इसके बारे में अभी बात करेंगे, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इससे भी यार आपको पता है क्या चीज़ है. फिर यार पेपर टाइम 2 आवर्स, टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे यार, +4 -1 की मार्किंग है, +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, सो ऑन. और पेपर विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA. तो बात हमें यहाँ तक क्लियर हो गई. फिर बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों ने भाई दिमाग खा रखा है, वो है यार विच बुक्स टू रेफर. तो यार अगर हम बात करें मैथमेटिक्स सेक्शन की, तो जो बुक्स यार JEE और BitSat की प्रिपरेशन के लिए बेसिकली आप यूज करते हो, इसमें यार पहला पॉइंट ये है कि अगर आर यू अ JEE एस्पिरेंट और नॉट, तो उस पर हम अभी अगली स्लाइड पे बात करते हैं. लेकिन पहले बात करते हैं जो बुक्स यार JEE मेंस एडवांस और BitSat की प्रिपरेशन में यूज होती हैं, सेम बुक्स विल बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन फॉर द CIC BTech एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अब यार फॉर मैथमेटिक्स सेक्शन यू कैन रेफर टू द अरिहंत एंड सिंगेज सीरीज ऑफ JEE. JEE की यार ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो अरिहंत और सिंगेज की सीरीज है यार, उससे आप पढ़ सकते हो. यार दोनों बहुत अच्छी हैं, सिंगेज भी अपने आप में बहुत सही है और अरिहंत भी अपने आप में बहुत सही है. अब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आप कौन सी यूज़ करते हो. और मैं पर्सनली मैंने सिंगेज करता था मैं 11th 12th में JEE के प्रिपरेशन के टाइम, बट यार कुछ भी कर सकते हो. अरिहंत की भी यार मैंने कुछ बुक सॉल्व करी हैं, आप कुछ भी कर सकते हो. और इसका यार इन सारी बुक्स का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो. इसे आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, सेकेंड हैंड बुक भी ले सकते हो. तो पहले बात करते हैं यार इसमें है ये सिंगेज की मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस. यार इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे JEE मेंस के सिलेबस वाले, बिकॉज जो इसकी मैथमेटिक्स आएगी इसमें लिखा है 10+2 लेवल, लेकिन यार ये JEE मेंस से भी थोड़े कुछ क्वेश्चन आपको इसमें JEE मेंस से भी ऊपर मिलेंगे, लाइक टेंडिंग टूवर्ड्स JEE एडवांस. JEE एडवांस के लेवल के नहीं होंगे, बट हाँ JEE मेंस तो आपको एटलीस्ट उतना सिलेबस तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर करो, क्रैक कर पाओ पेपर को. तो यार ये मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस की है, सिंगेज की. इसमें यार सब कुछ आपके फॉर्मूलाज वगैरह एक तरीके से चैप्टर को कट शॉर्ट करके दिया हुआ होता है, तो यार बहुत सही बुक है ये. फिर है यार ये अरिहंत की है, मास्टर रिसोर्स बुक फॉर JEE मेंस. इसमें भी यार ऑलमोस्ट ये वैसे ही, इसमें 5000+ क्वेश्चन हैं स्पेशलाइज्ड स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर JEE मेंस. फिर यार बात करते हैं BitSat की. यार ये BitSat की सबसे मेन बुक है, ये आपको भी पता है अरिहंत ही आती है BitSat की प्रिपरेशन के लिए. तो यार BitSat के जो क्वेश्चन हैं मैथ्स के, वो आपको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल ज़रूर करने हैं. अगर आप बुक भी नहीं लेते हो तो वो इजीली आपको यार नेट पे अवेलेबल होंगे, आप सारे सॉल्व करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के. फिर है यार ये मैथमेटिक्स फॉर JEE एडवांस स्पेशली फॉर कैलकुलस. कैलकुलस मैंने यहाँ स्पेसिफिकली क्यों दिया है, इसकी हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे कि कैलकुलस इतनी खास क्या है. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट ये बुक सिर्फ उनके लिए है जो JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रही है. मेंस वाले भाई इस बुक को हाथ मत लगाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे. मेंस वालों के लिए सिर्फ जो मेंस की ये बुक है उन्हें करना. ये उनके लिए एक तरीके से ऑप्शन है जो JEE एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं JEE एडवांस के लिए. तो उनके लिए दिस बुक विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर कैलकुलस उसे, और वो CIC के एंट्रेंस के लिए स्पेसिफिकली बहुत हेल्प करेगी. फिर बात करते हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स
यार ये मैकग्रॉ हिल की है, ये भी यार ऐसे ही हो गई, आप इसमें सिंगेज पे भी कर सकते हो, अरिहंत पे भी, कोई सी एक बुक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात आती है रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। यार इसकी अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो यार इसके लिए आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या फिर अपने क्लास के किसी भी बच्चे की बात करूं, हमने यार क्रैक किया इसका पेपर, तो एज सच हमें इसकी नीड ही नहीं पड़ी थी। यार जो जेई मेन्स और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, जो अच्छे से कर रहे होते हैं, उनका और यार बिट सेट वाले नहीं होंगे, उनका आईक्यू लेवल यार इतना हो जाता है कि वो ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। और यार ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं होते, ये वही क्वेश्चन हैं जो यार आप सेवन्थ एट्थ नाइन्थ से लेकर अब तक अपने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में यार सॉल्व करते हुए आ रहे हो, या बहुत सारे जैसे NTSC KVBY के पेपर्स में जो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के ही होंगे। कुछ उनके मतलब थोड़ा डाउन लेवल के होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको यार चाहिए कि मुझे बुक से ही पढ़ना है यार, बुक से ही तैयारी करनी है, तो यार ये दो बुक्स हैं जिसे मैं प्रेफर करूँगा। दोनों यार एडगर थॉर्प की हैं, और एक है यार ये मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये है टेस्ट फॉर रीजनिंग की फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं। तो अब यार बात करते हैं सम की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यार यहाँ पे इसमें ये है कि यार वेटेज ऑफ कैलकुलस पार्ट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शन इज मैथमेटिक्स। तो यार ये मैंने नहीं, बहुत बच्चों ने नोटिस किया है कि यार कैलकुलस का जो वेटेज है वो बाकी सेक्शंस इन मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेट हो गया आपका, एलजेब्रा हो गया, कैलकुलस का वेटेज यार सबसे ज़्यादा है इसमें। अब लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस बार रहेगा, लेकिन पिछले 3-4 साल के ट्रेंड्स यही बताते हैं कि यार कैलकुलस का वेटेज ज़्यादा है। अब कैलकुलस में हमारा क्या क्या आ गया, फंक्शंस आ गया यार, सबसे पहले तो फंक्शंस आ गए, डिफरेंशियल कैलकुलस आ गया, इंटीग्रल कैलकुलस आ गया, और इंटीग्रल कैलकुलस में यार एरिया अंडर द कर्व यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, वो मैंने पर्सनली उसके बहुत क्वेश्चन देखे हैं। और फिर आ गया यार डिफरेंशियल इक्वेशन तक आपका कैलकुलस खिंच गया। फिर अगर इन जनरल हम सिलेबस में बात करें तो मैथमेटिक्स सेक्शन का जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होगा। फिर अटेम्प्ट ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ CIC's BTEC एंट्रेंस दैट। और यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का कि मैंने यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आपको CIC के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2013 से लेकर 2019 तक के यार मिल पाए हैं, उसमें यार वो आपको सारे सॉल्व करने हैं, उसमें सब में 100 क्वेश्चंस है ईच पेपर, उसे यार ढंग से सॉल्व करो, आंसर की भी साथ है, अपने आंसर्स को मैच करो, नहीं प्रॉब्लम आए तो यार उसे सर्च करो, पूछो किसी से भी, लेकिन यार ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस टाइप का पेपर सॉल्व करने वाले हो। बिकॉज यार क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यार सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम ये हो गया कि 100 क्वेश्चन में से आपको तकरीबन 100 के 100 आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, आप कुछ भी कर लो नेगेटिव हो जाएगा यार उस केस में। मैंने देखा था यार पिछली बार जो लास्ट, मतलब अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, जो क्लोजिंग रैंक गई थी उस पर यार 40 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं बच्चों ने टोटल, 40 to 50, मतलब 100 में से यार लगभग अगर आप 50-60 क्वेश्चन कर पाते हो अटेम्प्ट अच्छे से नेगेटिव करे बिना, तो मतलब मजा आ जाएगा यार, फिर तो पेपर हो जाएगा भाई तुम्हारा, पेपर फोड़ दोगे भाई फिर तो। फिर अगली बात करते हैं सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन्स एंड एडवांस एंड बिट सेट एग्जामिनेशन। यार वही CIC के तो तुम्हें सॉल्व करने ही है, साथ ही साथ जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑफ जेई मेन्स एंड जेई एडवांस और बिट सेट की मैथ्स के, यार ये तुम्हें ज़रूर सॉल्व करने हैं। बिकॉज मैंने यार नोटिस किया था पिछले बार के जो 2019 का पेपर था जो मैंने दिया था यार, उसमें जेई एडवांस और मेन्स के 1-2 क्वेश्चन सेम आ गए थे भाई पेपर में सेम। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि यार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर जेई एस्पिरेंट्स एंड नॉन जेई एस्पिरेंट्स। यार मेरे को बहुत सारे नॉन जेई एस्पिरेंट्स का मैसेज आया कि भैया हम तो जेई की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें। यार पहले बात करते हैं जेई वाले, जेई वालों को यार कुछ अलग नहीं करना है, जो वो यार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही चलना है। अगर वो CIC की तरफ बहुत ज़्यादा अपना वो कर रहे हैं कि तैयारी उस तरह से कर रहे हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर मैथमेटिक्स पोर्शन। और उसमें भी यार मैंने बता दिया कि थोड़ा सा कैलकुलस का थोड़ा स्लाइटली वेटेज ज़्यादा मिलेगा, कैलकुलस के साथ साथ आपको यार सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब यार मिलेगा आपको सब कुछ, बट थोड़ा सा स्लाइटली एज पर माय ऑब्जर्वेशन एंड एज पर मेनी ऑब्जर्वेशन कैलकुलस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है।
तो जेई एस्पिरेंट्स के लिए यार कुछ नहीं, जो बुक्स मैंने बताई थी ये आपके ऑलरेडी होंगी, आपके मॉड्यूल्स होंगे, कोचिंग अगर आप लेते हो तो यार उसे ही सॉल्व करो अच्छे से, सीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, दैट वुड बी इनफ, वो आपका बहुत होगा यार, उससे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और रीजनिंग के यार आप कुछ क्वेश्चंस नेट से भी ले सकते हो, वो बुक से कर सकते हो, एनालिटिकल पार्ट के भी आप क्वेश्चंस वहीं से देख सकते हो, सीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हो। अब बात आई यार नॉन जेई एस्पिरेंट्स की बात, तो नॉन जेई एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए यार सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स जो है क्लियर करने होंगे यार, बेसिक्स आपके बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। फिर यार आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक आपने बोर्ड के लिए यूज करी थी, चाहे वो आरडी शर्मा है, चाहे वो आरएस अग्रवाल है, चाहे वो कोई सी भी है, तो यार उससे आपको एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन फाइनली आपको जेई मेंस की कोई बुक उठानी ही पड़ेगी एमसीक्यू बेस्ड, जहाँ पे आपका जेई मेंस की मैथ्स के क्वेश्चन होंगे या बिटसैट के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू की फॉर्म में मैथ्स के, बिकॉज फाइनली वो ही हेल्प करेगी। और प्लस आपको जो है सीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पेपर के, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैंने यार यही बोला है बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहेगा नॉन जेई एस्पिरेंट्स वालों के लिए कि उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपके सिर्फ बेसिक्स ही टेस्ट कर रहे होंगे। तो आप अगर आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम अच्छा रहा, आप उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के आपने कर लिया, तो हो सकता है कि यार आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है और आप मतलब फोर डालो पे कर। फिर बात करते हैं यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर की यार बात करें तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कैसे बता सकते हैं, डिपेंड करता है यार पेपर के लेवल, टफनेस के बारे में, लेकिन मोर और लेस यार सेम रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा यार वेरी कर सकती है, बिकॉज इस टाइम शायद बच्चे ज़्यादा हों, एप्लीकेशन ज़्यादा हों, बिकॉज इस टाइम फ्री टाइम बच्चों को बहुत मिल गया है कोविड-19 के चक्कर में। सेफ स्कोर यार एनीथिंग अबव 150 यार बहुत सेफ होना चाहिए, बेस्ड अपॉन माई ओपिनियन 150 मतलब यार बहुत सही स्कोर माना जाएगा, 150 प्लस, अगर 200 की तरफ चले गए तो यार मजा ही आ जाएगा बस। फिर बात करते हैं यार एंट्रेंस एग्जाम डेट इज नॉट अनाउंस्ड येट, तो यार इसकी आपको यार आप सिचुएशंस आपको पता ही है इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे ही यार ये सिचुएशन ठीक होगी, कोविड-19 का जो है एक तरीके से जो पेंडेमिक अभी चल रही है इसी वजह से यार अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, बिकॉज पेपर बहुत सारे बच्चे देंगे तो अभी इस तरीके की सिचुएशन हम कर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे ही एज सून एज कि ये सिचुएशन सही होगी तो यार DU की साइट पे आप रेगुलर चेक करते रहो अपडेट्स के लिए, उस पर यार आपको एंट्रेंस एग्जाम की डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यार लास्ट पॉइंट इसमें आता है क्वेरीज रिगार्डिंग BA कोर्स, यार बहुत बच्चे BA के बारे में पूछते हैं, अब यार ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BTech, तो यार BTech BA की यार मैं तुम्हें फील नहीं दिलवा पाऊंगा कि किस टाइप का सिलेबस आएगा क्या आएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यार किसी मैं BA के स्टूडेंट के टच में आके उससे सिलेबस पूछूँ यार, उसकी हेल्प से आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ मैं, तो आई ट्राई माई बेस्ट। इसकी वीडियो मैं यार प्रॉमिस नहीं करता, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो अपॉन BA कोर्स और इसका सिलेबस, और यार इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब यार इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यार काफ़ी क्वेश्चंस जो आपको पेपर में है, मतलब मैं काफ़ी नहीं कहूँगा बट एक पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको जनरल मैथ्स से मिलेगा। जनरल मैथ्स ये हो गया यार जो बेसिकली आपके IQ और एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा। अब वो जनरल क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं यार, यूनिटरी मेथड पे बेस्ड हो सकते हैं, कुछ भी यार आपको पता ही है। तो बुक्स वगैरह यार मैंने बता दिया, अब मेरे से भाई ये मत पूछना कि भाई ऐसे करके पक्का हो जाएगा, भाई पक्का कुछ नहीं होता, सारा कुछ तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारे प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है। तो यार अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यार मुझे DM कर सकते हो इंस्टा पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यार मैं करना चाहूँगा कि अगली वीडियो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पर आने वाली है, वो मैं बस अपलोड कर दूंगा इसके बाद, और वो अपडेट जो है वो CIC के रिगार्डिंग ही है कि देयर विल बी अ वेबिनार कंडक्टेड बाई क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC रिगार्डिंग द एडमिशन क्वेरीज, और जो भी कुछ होगा उसके लिए यार अगली वीडियो में उस पर डाल दूंगा। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स में जिनको भी यार CIC ज्वाइन करना है, जिनका भी एम है CIC का एंट्रेंस क्लियर करना। तो यार इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।